नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का बेबीज वर्ल्ड इंडिया में। और आज का ये वीडियो होली स्पेशल वीडियो है। बच्चों को कैसे सेफ रख सकते हैं होली के दौरान, क्या सेफ्टी मेजर्स आपको लेने चाहिए, बच्चों को कैसे ट्रेन करना चाहिए ताकि वो होली का भरपूर आनंद भी उठा सके और उन्हें भी किसी तरह का नुकसान ना हो, और साथ ही ये भी इम्पोर्टेंट है कि जाने अनजाने वो भी किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। इस वीडियो में मैं सारी चीजें कवर करने वाली हूं कि होली खेलने के पहले आपको क्या क्या तैयारी कर लेनी चाहिए या फिर क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए ताकि बच्चे के स्किन को या फिर उनके हेयर को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। दूसरी चीज़ कि होली के दौरान जहां पे आप होली खेल रहे हो वहां पे आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्या क्या चीज़ें वहां अवेलेबल होनी चाहिए। और तीसरी चीज़, जब बच्चा होली खेल के घर आता है तो आपको कैसे उनके स्किन और हेयर से कलर्स को निकालना है और उसके बाद कैसे उनके स्किन और हेयर की केयर करनी है ताकि उनके बालों को या फिर स्किन को कोई डैमेज ना हो। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे पता चलता है कि आप लोग हमारे वीडियोस को कितना पसंद करते हो। और डेफिनेटली शेयर तो ज़रूर करिएगा ताकि हर पेरेंट्स तक ये वीडियो पहुंचे और हर पेरेंट्स अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए होली के दौरान ये सब मेज़र्स ले सके। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं कि होली खेलने के पहले आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों की तैयारी करनी है। नंबर वन, सबसे पहले नॉन टॉक्सिक कलर्स ऑर्डर करिए, हर्बल कलर ऑर्डर करिए। आजकल इजीली अवेलेबल हैं दुकानों में, और अगर आपके आसपास के दुकानों में ना मिले तो आप ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं। अमेज़ॉन पे जो कुछ अच्छे हर्बल कलर्स अवेलेबल हैं, मैं उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से भी खरीद सकते हैं। हर्बल कलर्स नॉन टॉक्सिक होते हैं, हमारे स्किन को, हमारे हेयर को, और स्पेशली बच्चों के सेंसिटिव और नाजुक स्किन और हेयर को कम नुकसान पहुंचाते हैं। और साथ ही ये भी ध्यान रखिएगा कि वो वॉशेबल कलर्स हो, वॉशेबल कलर्स बहुत आसानी से छूट जाते हैं, ज्यादा रगड़ना नहीं पड़ता स्किन को, जिससे कि बच्चों की स्किन डैमेज नहीं होती है। दूसरी चीज, बच्चे को जो हम पिचकारी देते हैं उनको प्रमोट करें कि पिचकारी में सिर्फ पानी भर के खेलें, कलर्स जो हैं वो ड्राई लगाएं। गीले कलर्स हमारे स्किन को ज़्यादा डैमेज पहुंचाते हैं क्योंकि ज़्यादा देर तक वो बॉडी से चिपके हुए रहते हैं, इसीलिए कोशिश करें कि बच्चों को भी बताएं कि वो ड्राई कलर्स से खेलें और पिचकारी से सिर्फ पानी वगैरह भर के खेलें। यहाँ पे एक चीज़ और भी इम्पॉर्टेंट है, वाटर बलून्स, टोमेटो यानी कि टमाटर या फिर अंडे जो फेंक के खेलते हैं उसे बिल्कुल आपको मना करना है। देखिए, फन के लिए बच्चे अपनी खिड़कियों से वाटर बलून्स लोगों के ऊपर फेंकते हैं, टमाटर फेंकते हैं, अंडे फेंकते हैं। जब बच्चा फेंकता है तो उसको पता नहीं चलता कि वो कितनी ज़ोर से नीचे लगता है, लेकिन जो जिस बंदे को वो लगता है वो काफ़ी ज़ोर से लगता है ऊपर से कोई चीज़ नीचे गिर के। हो सकता है किसी बच्चे को लग जाए, आँख में, कान में, कहीं पे भी लग सकता है, कोई ऑर्गन डैमेज हो सकता है। और इस तरह के कई केसेस गए सालों में देखने को आए हैं कि वाटर बलून से कई लोगों को नुकसान पहुंचा है, अंडे या फिर टमाटर फेंकने से नुकसान पहुंचा है। तो इस तरह की चीज़ें बच्चों को करने के लिए बिल्कुल मना करें, उन्हें पहले से ट्रेन करें कि इससे क्या नुकसान हो सकता है। देखिए, जब हम सभी अपने बच्चों को इस तरह से ट्रेन करेंगे तो हम सभी के बच्चे आपस में खेल के सेफ रहेंगे और उनसे भी जाने अनजाने कोई गलती नहीं होगी, किसी और को डैमेज नहीं होगा। डैमेज से यहाँ पे एक चीज़ और मैं कवर करना चाहूँगी कि बच्चों को ये भी ट्रेन करें कि किसी भी बुजुर्ग इंसान को रंग न लगाएं, किसी भी छोटे बच्चे को रंग न लगाएं, किसी भी जानवर को कभी भी कलर्स नहीं लगाएं। देखिए, जब हम होली खेल के आते हैं तो रंग को हटाने के लिए 50 तरह के रेमेडीज अपनाते हैं, स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन जानवरों को ये बिल्कुल पता नहीं होता कि उनको कलर लगने वाला है या फिर कलर लगने से उनकी स्किन को इरिटेशन हो रहा है। कई बार जब बच्चे कलर्स मस्ती मस्ती में जानवरों को लगा देते हैं, उनकी स्किन को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, खुजली हो जाती है, कई बार वो खुजली घाव में कन्वर्ट हो जाता है और जानवरों को बहुत तकलीफ होती है। तो बच्चे को इन सब चीज़ों के बारे में ट्रेन करने की जिम्मेदारी हमारी है। साथ ही बच्चों को हमें ये भी सिखाना है कि किसी भी बच्चे के या फिर किसी के मुंह में, आँख में, कान में कलर्स या फिर पानी नहीं डालना है। बच्चे को ट्रेन करने की बात चल रही है तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप में से कोई टीचर है या स्कूल के स्टाफ आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सभी लोगों से मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने स्कूल में एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं, एक सेशन दें अपने बच्चों को कि किस तरह से सेफ होली खेली जाए। और ये सेशंस आप होली के पहले बच्चों के पेरेंट्स को बुला के भी दें, अगर बुला के देना पॉसिबल नहीं है तो एक मेमो जरूर इशू करें सभी पेरेंट्स के लिए, क्योंकि बच्चे भी जो टीचर्स बोलते हैं ना उस बात को बहुत ही गौर से सुनते हैं, उनको लगता है टीचर्स बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हैं। और वही चीज बच्चे को अगर घर पे भी बताई जाएगी और टीचर्स भी बताएंगे तो डेफिनेटली फर्क बहुत ज्यादा पड़ेगा और बच्चे उस चीज को आसानी से फॉलो करेंगे। और साथ ही जो हल्के कलर्स होते हैं उनमें
कम केमिकल होता है इंस्टीड ऑफ जो ज़्यादा ब्राइट कलर्स होते हैं जैसे काला कलर, हरा कलर, इसमें ज़्यादा केमिकल्स होता है। तो कोशिश करें जो गुलाबी या फिर पीला इस तरह की कलर से खेलने के लिए बच्चों को प्रमोट करें। साथ ही जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए आप होममेड कलर्स से भी उनको होली खेलने के लिए दे सकते हो। बीट रूट के जूस को पानी में डाइल्यूट करके कलर बना सकते हो, हल्दी का कलर बना के दे सकते हो बच्चों को, छोटे बच्चों को खेलने के लिए। बेसन और दही से बच्चों को खेलने के लिए दे सकते हो छोटे बच्चों को, उनको ये सब भी खेलने में मजा आता है। ग्रुप में एक अलग जगह बना के छोटे बच्चे जिनके हैं वो इन सब चीजों से खेल सकते हैं। और अब बात करते हैं स्किन और हेयर प्रोटेक्शन की। तो जिस दिन होली है उसके एक रात पहले आप अपने बच्चे की हेयर की मसाज नारियल तेल से बहुत ही अच्छे से कर दें ताकि बाल या फिर स्कैल्प जो है वो डायरेक्ट कलर के कांटेक्ट में नहीं आए। और सुबह जब बच्चा होली खेलने के लिए जाने लगे उस वक्त आपने बच्चे की पूरी बॉडी में एक कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजिंग लोशन लगा देना है। मॉइस्चराइजर लोशन लगाने के बाद पूरे बॉडी में मॉइस्चराइजर लोशन लगाने के बाद उसके ऊपर एक लेयर कोकोनट ऑयल की या फिर ओलिव ऑयल की लगा दें और साथ ही बालों में फिर से एक लेयर ऑयल की लगा दें। आपको लग रहा होगा कि ऑयली बालों में सूखे कलर्स ज़्यादा चिपकते हैं, लेकिन अगर आप ऑयल नहीं लगाएंगे तो कलर्स डायरेक्ट बाल और स्कैल्प में बहुत देर तक लगे हुए रहेंगे और इससे बालों को और स्कैल्प को ज़्यादा डैमेज पहुँचेगा और साथ ही कलर्स को छूटने में भी मुश्किल होगी। तेल के ऊपर जो कलर्स लगते हैं उन्हें छुड़ाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती, आसानी से छूट जाते हैं, स्किन को डैमेज नहीं होता है। कपड़ों की बात करें तो फुल स्लीव कपड़े पहनाएं, फुल पैंट्स पहनाएं ताकि कलर का डायरेक्ट कांटेक्ट स्किन से ना हो, जितना हो सके एक बैरियर बना रहे कलर और स्किन के बीच। आप कॉटन के भी कपड़े पहना सकते हो, लेकिन यहाँ पे मेरा मानना है कि कॉटन की एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, तो अगर कपड़ा गीला होगा तो काफी देर तक गीला रहेगा अगर बच्चे ने कॉटन का कपड़ा पहन के रखा हुआ है। तो मैं रिकमेंड करूंगी कि सिंथेटिक कपड़ा पहनाइए ताकि कपड़ा अगर गीला होता है तो फटाफट से सूख जाए। कपड़ा ज्यादा देर गीला रहेगा तो सर्दी होने के भी चांसेस रहते हैं। स्लीपर्स की बात करें तो बच्चों को स्लीपर्स पहना के कभी होली खेलने के लिए जाने नहीं दें। एक तो सरफेस स्लिपरी हो जाता है, वाटर प्ले होता है, स्लीपर्स में स्लिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए अच्छी ग्रिप वाले सैंडल्स दें। शूज़ को भी अवॉइड करें क्योंकि शूज़ गीला होगा तो काफ़ी देर तक गीले शूज़ में रहने से बच्चों को सर्दी लग सकती है, बुखार आ सकता है, इसलिए खुले वाले जो सैंडल्स आते हैं पैरों में आप अच्छे से बांध के पहना सकते हो वो पहनाएं बच्चों को, और अच्छी ग्रिप वाले सैंडल्स दें ताकि फिसलने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएं। अब बात करते हैं कि होली खेलते वक्त जहाँ पे आप होली खेल रहे हो वहाँ पे किन चीज़ों को आपको रखना है। तो एक फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, साथ ही 2 बकेट फ्रेश पानी रखिए ताकि अगर गलती से किसी के आंख में, नाक में, मुंह में कलर वगैरह जाता है तो फटाफट से उसको क्लीन किया जा सके। और साथ ही एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर डॉक्टर का या फिर हॉस्पिटल का और एम्बुलेंस का जरूर रखिए ताकि अगर कुछ ऐसी वैसी बात होती है उस कंडीशन में फटाफट से एक्शन लिया जा सके। और एक बहुत जरूरी बात कि कभी भी छोटे बच्चों को अनअटेंडेड होली खेलने के लिए मत छोड़िए, हमेशा साथ में रहिए। और अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब होली खेल के आ गए बच्चे घर तो उनके स्किन से, उनके हेयर से कलर्स को कैसे निकालें जेंटली। सबसे पहले जब बच्चा होली खेल के घर आता है तो पूरे बॉडी में एक बार फिर से नारियल तेल लगा दें और इसके बाद बेसन, हल्दी का पाउडर और थोड़ा सा बादाम का पाउडर मिक्स करके उसको दही के साथ एक पेस्ट बना लीजिए और पूरे बॉडी में हल्के हल्के से रब कर दीजिए। और उसके बाद उनको किसी माइल्ड से बॉडी वॉश से नहला दीजिए, कलर्स निकल जाएंगे। और इसके बाद भी अगर थोड़ा बहुत कलर बॉडी पे कहीं बचता है तो उसको रगड़ के निकालने की जरूरत नहीं है, उसको फिर वैसे ही छोड़ दीजिए। बार बार एक साथ रगड़ने से स्किन छिल सकती है। और बालों का कलर धोने के लिए सबसे पहले पानी से एक बार बाल को अच्छे से वॉश कर दें और उसके बाद फिर खट्टी दही पूरे बालों में लगा के थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दें। जब तक आपने बालों में दही लगा के रखी है तब तक आप बच्चे की बॉडी को क्लीन कर दें, उसके बाद फिर बालों में जो आपने दही लगाई है उसको पानी से धो दें और फिर किसी माइल्ड से शैम्पू से एक बार या दो बार हल्के हाथों से उनके स्कैल्प से और हेयर से कलर निकाल दें। और इसके बाद पूरे बॉडी में अच्छे से मॉइस्चराइजिंग लोशन लगा दें और बाल जब ड्राई हो जाए तो रात में जब बच्चा सोने जाए तो एक बार फिर से बालों की अच्छे से ऑयलिंग कर दें। और नेक्स्ट डे जब आप बच्चे को नहलाएंगे वापस से तो नहलाने के पहले फिर से एक बार थोड़ा सा पूरे बॉडी में नारियल तेल से मसाज कर दें, जो भी थोड़े बहुत कलर्स बचे होंगे सारे कलर्स निकल जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की, प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करिएगा अपने सोशल मीडिया पे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, ताकि सभी पेरेंट्स तक ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठे पहुंच पाए, होली के पहले क्या करना है, होली के दौरान क्या करना है और कलर खेल के आने के बाद क्या करना है।
और ये सभी चीज़ें जो बच्चों के लिए मैंने बताई वो सारी चीज़ें हम पे भी लागू होती हैं और ये सारे सेफ्टी मेजर्स हमें भी ज़रूर अपनाने चाहिए। तो दोस्तों आप सभी लोगों को एडवांस में हैप्पी एंड सेफ होली।